नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल टेक्नो कट्टा पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू कॉलर के वर्किंग के बारे में। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन है, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्चुअली ट्रू कॉलर दो तरह से काम करता है। एक तो आप खुद का नंबर वहाँ पे एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लो खुद, तो वो आपका नंबर आपके नाम से शो होगा। ये हो गई फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, आपके मोबाइल पे रजिस्टर भी कर लिया, तो होता क्या है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं ट्रू कॉलर के सर्वर के साथ। आपके कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर आपने सेव करके रखे हैं जो भी नाम से, तो वो नंबर विथ वो नाम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं ट्रू कॉलर के सर्वर के साथ। सपोज मान लो कि आपके भाई का नंबर आपने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भाई नाम से सेव कर लिया है, या फिर उसके कॉलेज के फ्रेंड ने उसका नंबर एज अ क्लासमेट सेव कर लिया, तो अगर आप उसका नंबर सर्च करोगे तो वो कभी आपको भाई नाम से दिखाता है, या फिर आपको जब भी आप कोई सर्च करोगे तो आपको क्लासमेट नाम से भी दिखाता है। इंटरेस्टिंग बात यही है दोस्तों कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई यूज़ कर रहा है बेसिक मोबाइल, उसमें तो आप वो ट्रूकॉलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल भी नहीं कर सकता है, फिर भी उस नंबर कभी कभी वो एप्लीकेशन दिखा देता है कि ये नंबर किसका है और कौन से नाम से। तो इसमें आपके नंबर की सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी ऑन रिस्क होती है। अगर आप चाहते हो कि नंबर रिमूव करना, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो truecaller.com पे, वहाँ पे जाके आप आपका नंबर अनलिस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।